असलकुम मेरा नाम सदीका नौरीन है फ्राम इफेक्ट फॉर एवर डॉट कॉम कल मैंने गोल्ड का जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था अलहमद फर्स्ट टाइम भी हमारा टी पी हिट हुआ और सेकेंड टाइम भी डाउन में मैंने वो ट्रेड अपने तमाम फ्री और वी आई पी ग्रुप मेम्बर्स को करवाई थी और अलहमद उसका टी पी भी हिट हुआ हंड्रेड प्लस टिप का और वो ट्रेड अभी भी हम उसको अगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेड होल्ड होल्ड करने वाले ट्रेडर्स हैं उन्होंने होल्ड की होगी जैसे कि मेरी खुद भी होल्ड है चलें आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस का भी आपको बता दूं जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से गोल्ड इसी रेंज में घूम रहा है और अभी भी इसके इसी रेंज में ही घूमने के चांसेस लग रहे हैं ज्यादातर तो बाकी आज तकरीबन साढ़े पांच बजे यूएसडी की न्यूज है उसमें इसकी जो है रियल मूव वो नजर आएगी अभी भी आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जूम करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है अभी फिलहाल ये ये एरिया आप देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग इसका एरिया है इसको ब्रेक करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा और जब ये ये ब्रेक हुआ तो ये ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन को लाजमी हिट करेगा जो कि 1825 जो बाय में इसका जो टारगेट है मेरे पास वो 1825 है और अब अभी गोल्ड को यहाँ से मैंने तो अपने ग्रुप में वैसे बाय करवा दी है ट्रेंड लाइन के नीचे इसका ट्रेंड लाइन पर ही तकरीबन इसकासल है और गोल्ड की जो ऐसे भी मूव एक्सपेक्टेड है बाय में और कुछ इस तरह से भी गोल्ड बाय में मूव कर सकता है रेंज में है रेंज का फायदा उठाएं ये हाई पे जाए तो उसको सेल करें और डिप में आए तो इसको बाय करें जैसे कि कल यहाँ पे इसने डिप लिया और रात को यहाँ से बाई की एंट्री दी और अलहमदुल्ला आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई 200 पिप का इसने हाई लगाया है उसके बाद अब ये थोड़ी बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा उसके बाद या ये थोड़ा सा डिप लेके ऊपर आएगा या इस एरिया को ब्रेक करके ये बाय में निकल जाएगा बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कल का मेरा एनालिसिस कैसा लगा और किस किस को कितना कितना प्रॉफिट हुआ हमारे साथ रहने का शुक्रिया दुआओं में याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़